इस योजना के अंदर जो कार्य हुआ है इतना कार्य किसी योजना में नहीं हुआ। रोड बन गया बढ़िया, ढाणियों में घरों में बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराया जी। हमारे गांव में जितो काम है मेरे ख्याल बार बार गाँव में ही कौन जो हमारे पहला ट्यूबवेल को पानी आया करतो, खारो पानी आया करतो, अब नहर को पानी आने लग गया, मीठो पानी आया। पहला पानी घनी समस्या ही दुख पानता है, घड़ियाँ लेती रामदारी हो रही है पानी की सारी जवान सड़क काम बना दी, एक वाटर बक्स को काम जो हमारे कहीं कौन कराया हुआ है 30 साल हो गया। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार इस वक्त आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा जिले के गांव हांडीखेड़ा के दिखा रहा हूं और आज द सड़कनामा .com की टीम इस गांव में पहुंची है। हम यहां देखने आए हैं कि पहली बार पढ़ी लिखी पंचायतें चुनी गई और चूंकि अगले साल जो है चुनाव होने हैं पंचायतों के, तो द सड़कनामा .com की टीम गाँव गाँव जा रही है और हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि क्या पढ़ी लिखी पंचायतें ग्रामीणों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी, गांव में कितने के विकास कार्य किए गए, या ये कहूंगा कि गांव के सरपंच का रिपोर्ट कार्ड क्या है, गांव के मुखिया से गांव के लोगों को जो उम्मीद थी क्या मुखिया उन उम्मीदों पर खरा उतरे। तो आप देखते रहिए द सड़कनामा .com। कितना काम हुआ आपके गाँव में? काम बहुत हुआ है जी, अपने वाटर बक्स बन गया और व्यायामशाला बन गई, स्कूल में बरंडे बरुंडे सब, और अपने कल्याण भूमि में सब बहुत सुधार हो रहा है जी। गलियों में कोई गली बाकी नहीं रही, एक दो रही है, यह देखो सब बन जाएगी अभी, बहुत बढ़िया। जो सरकार का जो निर्णय था कि पढ़ी लिखी पंचायतें जो बनाना है उससे और पुराने अगर उस पुराने में तो ये है जी, देखो पहला उनको कोई जानकारी नहीं थी, अब पढ़े लिखे हैं तो ये इतना पैसा कम से कम 5-6 करोड़ रुपये हमारे गाँव में आए हैं, ये पढ़े लिखे जब भी लाए उन्हें, हमारे गांव में सरपंच साहब पढ़े लिखे हैं तो बहुत मान लो अच्छा काम चल रहा है, गांव को बहुत लाभ मिल रहा है जी। और ख़ास तौर पर जो इस योजना के अंदर जो कार्य हुआ है इतना कार्य किसी योजना में नहीं हुआ। हमारे सरपंच साहब हैं श्री आत्माराम जी, उन्होंने इतना विकास कार्य करवाया है कि एक तो हमारे वाटर वर्क्स जो है वो नहर से पाइप ले आकर के वो लगा दिया, उससे पहले हम बोरिंग का पानी पीते थे, ये सबसे बढ़िया काम हुआ है। बाकी आप गांव में कहीं जाओ गलियां देखो, इतनी साफ़ सुथरी गलियां हैं, बहुत सुंदर गलियां हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगी इतनी बढ़िया गलियां, सिर्फ हांडीखेड़ा में आपको देखने को मिलेगी, ये खुली गलियां, चौड़ी गलियां और साफ़ गलियां हैं, इंटरलॉकिंग गलियां बन रही है, अब तो अभी इधर भी काम चल रहा है, ये आजकल में वो हो जाएगी गली, काम किसी प्रकार का कोई अधूरा नहीं रहा जी, सारे काम हो गए लगभग। एक हमारा सरपंच साहब ने काम बहुत कराया सरकार के लिए ना, सरपंच साहब ने बहुत बधाई हो, बहुत बढ़िया काम कराया जी। क्या क्या काम हुए बड़े काम? काम जी सड़कांग हो गयो, वाटर सप्लाई आ गयो, हमारे तो पानी की समस्या बहुत तकड़ी, सबसे बड़ी मेहनत तो कहानी बाह है, शिवपुरी बनेगी बढ़िया, धर्मशाला बन गई, रोड बन गया बढ़िया, ढाणियों में घरों में बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराया जी। बहुत काम हुए जी, हमारा गाँव जितो काम ही ना समझो खड़ी, हमारा गाँव में जितो काम है मेरे ख्याल बार बार गाँव में ही कौन सरपंच ऐसे काम करे पूछो ना, दे ऊपर तो क्या बताओ था, बहुत काम करिए। क्या क्या काम हुआ? काम देखो जी, वाटर सप्लाई पानी उस ही कोई नहीं हमारे, पानी रहा देखो आज ये गलियाँ पूछो ना, दे फिरनी न्यारी गलियाँ न्यारी, शमशान भूमि हो तो मान लो शिवपुरी बना दी एक कुड़ी। जो सबसे हमारी मेनली जो प्रॉब्लम थी पानी की प्रॉब्लम थी गांव में, और वो सरपंच साहब ने जैसे ही उनके कार्यभार संभाला उसके 2-3 साल बाद अपनी मेहनत और लगन से उस मुकाम को सक्सेस किया उन्होंने, और वो वाटर बक्स मुख्यमंत्री जी की देन थी और वो लेके आए, और 3-4 साल शायद मेरे ख्याल से 1.5 साल हो गया है वाटर बक्स चालू है को, जो कि काफ़ी बीमारियों से निदान पाया है गांव के लोगों ने, खास करके जो बाड़ों की समस्या थी, घुटनों की समस्या थी, जो खारे पानी की समस्या थी, मेनली सोरा जो हड्डियों में जम जाता है वो मतलब थोड़ा थोड़ा कम होने लग गया, एकदम तो हम नहीं कह सकते भी एकदम ही कम हो गया है, स्टार्ट हो गया है कम होने, जो हमारी नई जनरेशन है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शमशान भूमि में करवाया है उधर, वो पानी वाला नहर वाला करवा दिया, वो भी अच्छा हुआ काम, नहीं तो सारी उम्र नहीं आ सकता था हमारे गाँव में पानी, ये सरपंच की मार रहा है जी। जो पढ़ी लिखी जो पंचायतें बनी है उससे खूब हुआ जी, हमसे ज़्यादा हुआ है। अच्छा, हाँ पढ़ी लिखी पंचायतों से ज़्यादा हुआ है। अच्छा, ज़्यादा काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। तो सरकार क्या, सरकार ने कितना का बजट दिया, क्या क्या बड़े काम क्या क्या हुए? खूब जी, सड़कें बन गई, वाटर बक्स बन गया, और आपने चारों में जो सड़कें वही भी बन रही है, फिरनियाँ बना दी। यहाँ पहला पानी घनी समस्या ही दुख पानता है, इन घड़ियाँ लेती रामदारी हो रही है पानी की, सारे वाटर बक्स हो गए जब,
और घणो काम होएगा, आत्मा सरपंच घणो काम करी हुए ठीक है। और ये बोर बने नहीं लग रही है काम आगू आगे काम बहुत अच्छा काम हो जी। हाँ जी उम्मीद से अच्छा ही हुआ है। किस तरह से काम हुए, कुछ ऐसा भी रहा कि जो उम्मीद थी वो नहीं हुआ या इस तरह के कोई? नहीं जी, अपने गांव में गड़ियां वाटर वर्क्स मतलब पूरा काम हुआ है, स्कूल का, व्यायामशाला का, शमशान भूमि का, अच्छा काम हुआ। मेरा नाम नंदनी है, मैं 6वीं क्लास में पढ़ूँ। हमारे गांव में सड़क इतनी सोहनी बन गई कि पूरा हरियाणा सिरसा जिला छोड़ो पूरा हरियाणा इतो सुनो ही सड़क आ रही तो सुनो गांव को नहीं होगा को। और जो हमारे पहला ट्यूबवेल को पानी आया करतो, खारो पानी आया करतो, अब नहर को पानी आने लग गया, मीठो पानी आने लग गया। मेरा नाम सुल्तान सिंह है, हमारे गांव में सरपंच ने काफ़ी काम करवाए हैं, व्यायामशाला बनी है, वाटर वर्क्स बने जी, स्कूल भी दोबारा नया खड़ा कर दिया उन्होंने, वाटर वर्क्स से अच्छी सुविधा हो गई जी, सड़कें सारी बन गई है, इधर शमशान घाट का उधर काम चल रहा है जी, काफ़ी अच्छे जी, उम्मीद से ज़्यादा काम हो गया गाँव के अंदर, पहले सरपंच जिन्होंने इतना काम करवाया। वाटर बक्स बनवा दिया और चपालों का काम ही करवाया है, बड़ा बढ़िया अड्डे पर से बस स्टैंड बना दिया, और क्या है जी, और कोई काम की कमी नहीं छोड़ी है, दुख सुख में साथ ही रहे, जब मर्जी बुला लो आ जाओ, हम तैयार हैं तुम्हारे साथ। लगभग सब सारे काम हो गए, सड़कें बन गई, खाड़ियाँ बन गई, गांव का बहुत सुधार हो गया, स्कूल का बहुत सुधार हो गया, और पहला देखने को हमारे गांव पीछे था, अब सबसे आगे हो गया सर जी। मैं आत्माराम सिया, गांव मंडीगढ़ा सरपंच। पिछले जो 4.5 साल में बहुत विकास हुआ गांव में, गांव के हर एक आदमी का मेरा सहयोग रहा है, गांव का हर आदमी बड़े भाईचारे से, यहाँ का धार्मिक प्रोग्राम बहुत हुए हैं गाँव में, और हमारे गांव में इतना विकास कार्य हुआ है, 6.5-7 करोड़ रुपए के लगभग विकास कार्य हुआ है, शमशान भूमि है, स्कूल है, जो मेन समस्या वाटर बक्स की थी, पानी की थी, सड़कों की थी, गांव में गंदगी थी, ODF थी, स्वच्छता थी, सभी की तरफ ध्यान दिया गया है, और गांव के हर व्यक्ति का भी मुझे बहुत सहयोग मिला है। मैं तो हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमें इस लायक समझा कि पैसे का सदुपयोग कैसे होता है, तो हमने पैसे का सदुपयोग किया है, अच्छा विकास कार्य किया है, गांव का हर इंसान की तरफ ध्यान दिया है। आज जो कोरोना महामारी फैली हुई है, हमें उसका अफसोस है कि हमारे 6 महीने में जो विकास कार्य और होने थे थोड़े रुकावट आई है, लेकिन अच्छा काम हुआ है, हम तो धन्यवाद करते हैं, और आप मीडिया भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग जो गांव के धरातल की बात आप ऊपर उठाते हो मीडिया की तरफ से, बहुत बहुत आप लोगों का मैं आभारी हूं, और सिरसा जिला की तरफ से भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो ये थे मेरे साथ इस घांडीखेड़ा गाँव के लोग, जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचे। अगर आपको भी है इंतजार कि dasadaknama.com की टीम आपके गांव में भी आकर के आपके मुखिया की रिपोर्ट ले, तो आप भी हमें लिख भेजिए संदेश कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया।